सो हेलो एंड वेलकम टू करेंट स्कैन। मेरा नाम है सौरभ सिंह और इस लेक्चर में बात करने वाले इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में जिसका नाम है ABPMJAY सेहत स्कीम, जिसको रिसेंटली लॉन्च किया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। बहुत से न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है, लाइक द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, पीएम मोदी लॉन्चेस आयुष्मान भारत पीएमजे सेहत स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर रेसिडेंट्स। हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, पीएम मोदी टू लॉन्च ABPMJAY सेहत स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर टुडे। मिंट का आर्टिकल है, पीएम मोदी लॉन्चेस आयुष्मान भारत पीएमजे सेहत स्कीम फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पीएमओ इंडिया ने भी ट्वीट करके जानकारी दिया, आज जम्मू कश्मीर आयुष्मान भारत सेहत स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा तो जीवन में कितनी बड़ी सहूलियत आएगी। अभी आयुष्मान भारत योजना का लाभ राज्य के करीब 6 लाख परिवारों को मिल रहा था, सेहत योजना के बाद यही लाभ 21 लाख परिवारों तक पहुंचेगा। सेकेंड ट्वीट में बताया गया है, इस स्कीम का एक और लाभ होगा जिसका जिक्र बार बार किया जाना जरूरी है। अब आपका इलाज सिर्फ जम्मू कश्मीर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश में इस योजना के तहत जो हजारों अस्पताल जुड़े हैं वहां भी ये सुविधा आपको मिल पाएगी, पीएम मोदी कहते हैं इस ट्वीट के माध्यम से। सो वाई न्यूज में इसलिए है क्योंकि आज के 26 दिसंबर 2020 को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम को लॉन्च किया है। इसको ABPMJAY सेहत भी बोलते हैं, ठीक है। इसको लॉन्च किस माध्यम से किया गया, बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और इस स्कीम को लॉन्च करने का जो मेन मकसद है वो क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बाय प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस कवर टू ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए ABPMJAY सेहत स्कीम जो है, इसका जो पूरा नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम, ठीक है। इसमें जो सेहत है इसका मतलब क्या है, सेहत का मतलब है सोशल एंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेली मेडिसिन। ABPMJAY का मैंने ऑलरेडी डिटेल लेक्चर कवर कर चुका है, इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ABPMJAY स्कीम क्या है, इसके क्या इम्पोर्टेंस है, इसके क्या की फीचर्स हैं, क्या क्रिटिज्म है। उस लेक्चर मैंने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है, आई बटन में आप क्लिक करके इसको लेक्चर को देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दूंगा। नाउ अब हम बात करेंगे की फीचर्स ऑफ द पीएमजेए सेहत स्कीम, इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं इसके। तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि 5 लाख रुपीज का इंश्योरेंस होगा पर फैमिली का, जैसे पीएमजेए में था सेम इंश्योरेंस कवर, इसमें भी रहेगा 5 लाख रुपए का, ठीक है। और ये जो इंश्योरेंस होगा जैसे पीएमजेए में था फ्लोटर बेसिस पे, इसमें भी फैमिली फ्लोटर बेस पे ये इंश्योरेंस होगा, ठीक है। अब ये फ्लोटर बेसिस क्या होता है, देखिए फ्लोटर बेस का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए एक परिवार में 5 लोग रहते हैं, ठीक है, तो 5 लाख का इंश्योरेंस है, ठीक है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू देखा जाए तो आप अपन ये सोचेंगे कि 1 लाख रुपये एक व्यक्ति का इंश्योरेंस है, ठीक है। लेकिन फ्लोटर बेसिस का मतलब ये होता है अगर उस परिवार के किसी भी एक सदस्य को गंभीर बीमारी होती है और उसके इलाज करने में कराने में 5 लाख रुपए का खर्चा आता है या 1 लाख से अधिक तक का खर्चा आता है, तो उस 5 लाख का जो इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट ऑफ करा के दे रही है उसमें जितना भी खर्चा आएगा 5 लाख के अंदर तक का, उस व्यक्ति का इलाज आप करा सकते हैं, ठीक है। नाउ जिसका सेकेंड पॉइंट है उसमें ये बताया गया है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पहली बात, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि जो पहले पीएमजे स्कीम थी जो जम्मू एंड कश्मीर में थी उसमें 6 लाख परिवार पहले थे बेनिफिशियरी, लेकिन अब जो पीएमजे सेहत स्कीम है इसमें 15 लाख और परिवारों को जोड़ा जाएगा। दैट मीन्स 15 लाख और परिवार जोड़े जाएंगे, तो मतलब 15 और 6 कितना हो गया आपका 21 लाख परिवार। 21 लाख परिवार में टोटल बेनिफिशियरी जो है पूरे यूटी के जितने जम्मू एंड कश्मीर यूटी के जितने भी रेसिडेंट्स हैं वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे और अप्रोक्सीमेटली 1.2 करोड़ होंगे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यूटी की जो पॉपुलेशन है वो 1.2 करोड़ है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति बचा नहीं होगा जिसको जो स्कीम का बेनिफिशियरी ना हो। थर्ड पॉइंट में बताया है कि ये स्कीम ऑपरेट करेगी ऑन इंश्योरेंस मोड इन कन्वर्जेंस विद पीएमजे। और जो लास्ट पॉइंट उसमें बताया गया है कि ये जो स्कीम है ये पोर्टेबल होगी अक्रॉस द कंट्री। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर का जो रेसिडेंट है
वो चाहे तो भारत के किसी भी कोने में जाके अपना इलाज करा सकता है किसी भी अस्पताल में। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वो जो अस्पताल है चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो एम्पैनल्ड होना चाहिए पीएमजे में। आशा करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।